बुलंद हो गए हैं कि बिना किसी डर के चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दे देते हैं, जैसे उनके दिल में कानून नाम का कोई डर ही नहीं है। ऐसा ही एक मामला करनाल जिले के निसिंग क्षेत्र से हमारे सामने आ रहा है। यहाँ चोर एक बैंक के एटीएम को ही उखाड़ कर ले गए। जानकारी के अनुसार निसिंग में एचडीएफसी के बैंक के एटीएम मशीन को चोर उखाड़ कर अपने साथ ही ले गए, और हैरानी की बात तो यह है कि एटीएम के सिक्योरिटी गार्ड भी मौजूद था, लेकिन चोरों का हौसला तो देखिए। एटीएम मशीन के साथ केबिन में सो रहे सिक्योरिटी गार्ड को भी गन पॉइंट पर अपने साथ ले गए और करनाल कैथल सीमा पर लगभग 10 किलोमीटर दूर उसको छोड़ गए। इसके बाद गार्ड ने आकर थाने में इसकी घटना की जानकारी दी। एटीएम में लगभग 20 लाख से ऊपर का कैश बताया जा रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इसी के साथ मौके पर असंध के डीएसपी बलबीर सिंह और थाना प्रभारी रामफल भी मौके पर पहुंचे और आसपास की सीसीटीवी को कब्जे में लेकर आगे की जांच शुरू कर दी है। वहीं बैंक की भी एक खामी सामने आई है। जिस जगह पर एटीएम लगाए गए हैं उसकी जो नीचे की फाउंडेशन है वह भी काफी कमजोर है, जिसको कोई भी बड़ी आसानी से उखाड़ कर ले जा सकता है। वहीं पुलिस के हाथ सीसीटीवी कैमरे की फुटेज लगी है, जिसमें आरोपी और उनकी गाड़ी कैद हो गई है। निसिंग थाना प्रभारी रामफल ने बताया कि एचडीएफसी बैंक का एटीएम गार्ड सुबह 6 बजे थाने में आया और उसने इस घटना की जानकारी दी, और उसी के साथ हम बैंक में पहुंचे और सारी घटना की जानकारी ली और उच्च अधिकारियों की भी इसकी जानकारी दी गई। वहीं उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं इसमें बैंक की भी कमी है। जो एटीएम मशीन की सपोर्ट दी गई है वह भी बहुत ही कमजोर है, जिससे कोई भी बड़ी आसानी से मशीन को उखाड़ के जा सकता है। वहीं असंध के डीएसपी दलबीर सिंह ने बताया कि रात तकरीबन 2:30 बजे के करीब कैथल करनाल रोड पर मेन रोड एचडीएफसी बैंक का एटीएम है, उसको 5 से 6 लोग रात को उखाड़ कर ले गए और बैंक अधिकारियों से जानकारी लेकर जांच शुरू कर दी गई है। जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो उखाड़ के ले गए कि आज रात को एचडीएफसी बैंक का एटीएम है, ऑन रोड पे ही है। रात को तकरीबन 2:30 बजे सुबह और कुछ 4-5 लोग आए और वो एटीएम को उखाड़ कर ले गए, शटर तोड़ कर। जी, एटीएम से मैं थी, उसमें कैश कितना था वो अभी मैनेजर साहब देंगे, जो डिटेल देंगे उसमें केस रजिस्टर कर दिया नॉन के खिलाफ। और इसके साथ जो यहाँ सिक्योरिटी गार्ड था उसको भी ले गए थे क्या साथ में? बता रहे हैं कि सिक्योरिटी गार्ड को साथ ले गए, फिर वहाँ उसको छोड़ दिया रास्ते में। सिक्योरिटी गार्ड से पूछताछ कर रहे हैं किस तरह था कि किसी की इन्वॉल्वमेंट ना हो। ये कौन से बैंक का एटीएम था सर? एचडीएफसी बैंक निसिंग में है। कोई बैंक की भी इसमें कुछ ऐसी चीजें देखने को मिली हैं कि बीचे नीचे छोटे छोटे नट लगे हुए हैं? नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। वो तो सेंटर की टीम आई थी लास्ट 1 महीना पहले जी। वो भी सर्वे करके गए हैं सारा, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी देखते थे तफ्तीश में जो भी आया, अगर बैंक वालों की लापरवाही बनी तो इनके खिलाफ जरूर एक्शन लिया जाएगा। ये जो HDFC बैंक का एक टीम है जी, जिसके अंदर एक गार्ड है ओम प्रकाश जी, जो सिरसल वासी है, जो सुबह करीब 6 बजे यहाँ थाने में आए। तो थाने पे आने के बाद मेरे पास मुंशी जी ने इन्फॉर्म बताया, तो उसी टाइम मैंने उसको देखा, जिसको ड्यूरिंग द गश्त में 12:30 बजे मैंने ये तीन जो HDFC बैंक का जो ओम प्रकाश चौकीदार और एक अपना दो बैंक और साथ साथ इलाहाबाद और एक और जी, तो ज्वाइंट में इकट्ठे खड़े हुए थे जी, जिनको मैंने कहा भाई आप, क्योंकि उन्होंने बताया कि हम चौकीदार हैं एटीएम के जी। हमने कहा कि भाई आप थोड़ी दाएं बाएं होकर के टहलो, अलग अलग इकट्ठे हो। उसके बाद तुरंत मैं करीब 3:30 बजे आकर के मैं लेट आया, तो 6 बजे ही आने पर मुझसे इन्फॉर्म करने बाद मौके पर आया। मौके पर जाने के बाद तो देखा तो वहाँ एटीएम जो मशीन थी जी, जिसके अंदर एटीएम में दो मशीन लगी थी, एक मशीन बिल्कुल साफ थी। तो उसके बाद फिर मैनेजर साहब से कंटेक्ट किया, मैनेजर साहब को मौके बुलाया, आने के बाद उनकी हमने सीसीटीवी फुटेज खंगाली जी, जिन्होंने फिर कंप्लेंट देने के ऊपर अभी मुकदमा दर्ज किया गया है। जो अपने जो एटीएम की ने जो फोटो अपने सीसीटीवी कैमरे की जो फुटेज खंगाल रहे हैं, जिसके अंदर कुछ सामने आ रहा है कि मतलब 6 बंदे और 6 बंदों के अनुसार जिस तरह से क्या क्या बाकी क्या चल रहा है सीसीटीवी फुटेज वगैरह, जो हमने जो सीसीटीवी फुटेज है वो हमने इसको खंगाल रहे हैं और जो तफ्तीश जारी है।
ये कहाँ का रहने वाला है जो गार्ड है वो कहाँ का रहने वाला, क्या ये गांव सिरसल जिला कैथल थाना पड़ता है। ये सिक्योरिटी गार्ड को भी साथ ले गए थे, उसको कहाँ छोड़ा गया है? सिक्योरिटी गार्ड के कथन अनुसार बताया कि रुखसाना छोड़ा गया है और रुखसाने से पैदल पैदल चल करके थाने तक आया। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।